हत्या है। जहरीली शराब पिलाकर आप यदि किसी की जान लेते हैं तो यह हत्या है। यह सिर्फ जहरीली शराब का मामला नहीं है, तो इस बिंदु पे हम गंभीरता से काम करेंगे और साक्ष्य और अनुसंधान उसी दृष्टिकोण से एकत्रित किया जाएगा और कांड में उसी दृष्टिकोण से उसी बिंदु पर जो कानून है, जो विधि है, वर्तमान घटना में जहरीली शराब से कुल 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें सिवान जिले में 20 और सारण जिले में 5। अब तक इस प्रकरण में 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, सारण में 3 और सिवान में 9। गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि इस पूरे कांड में कौन शराब माफिया संलग्न है। पुलिस द्वारा सभी तत्वों के विरुद्ध जो इस पूरे चेन में शामिल हैं, अर्थात शराब के निर्माण, शराब की सप्लाई और शराब का भंडारण, सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही दोनों जिला के SP, DM, DIG सारण, ये सभी घटनास्थल पर गए। बिहार पटना से भी मद निषेध विभाग के सचिव और मद निषेध विभाग के SP को भी घटनास्थल पर प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है। सभी बिंदुओं पर छानबीन हो रही है, सभी बिंदुओं पर साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है और सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लगातार हर कुछ महीने पर सर इस तरह की घटना घटती है, तो उसको लेकर पुलिस और कुछ कठोर कार्रवाई करे या फिर उस तरह का कुछ कानून और इसको लेकर कुछ कार्रवाई करे? देखिए, जो कानून है वो सख्त कानून है और ये भी सही है कि घटनाएं भी पूर्व में हुई हैं, तो अब इस चुनौती को देखते हुए जो प्रभावित क्षेत्र है उसकी पूरी प्रोफाइलिंग करने का विचार है कि कौन कौन पंचायत ज़्यादा प्रभावित है, कहाँ कहाँ घटनाएं हो रही हैं, कहाँ कहाँ शराब का भंडारण हुआ है, कहाँ कहाँ से शराब आ रहा है, कहाँ से आपूर्ति हो रही है, सभी बिंदुओं पर आसूचना संग्रहित करके विशेष टीम बनाकर कार्रवाई करने की योजना है। वर्तमान में 2 विशेष टीम कार्य कर रही है। एक जो SIT है वह कांड के अनुसंधान के दिशा में काम करेगी और दूसरी जो टीम है वो शराब और यदि कहीं भंडारित है या और कहीं सूचना मिलती है उसके विरुद्ध कार्य करेगी। तो ये समानांतर कार्रवाई चलेगी, अनुसंधान का भी और उसकी रोकथाम का या अर्थात इसके प्रिवेंशन का भी। शराब माफियाओं को लेकर सर किस तरह के पुलिस है बिहार पुलिस नकेल कर सकेगी, क्योंकि लगातार शराब माफिया है वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? देखिए, इस विषय पर मैंने चर्चा की थी आज सुबह ही। जो शराब माफिया का नाम इस केस में आ रहा है वो पहले भी जेल जा चुका है और वर्तमान में बेल पर है, तो अब जहरीली शराब से जो मौत हो रही है उसमें जो लोग शामिल हैं, जो शराब माफिया उसमें शामिल है, उसके विरुद्ध हत्या का कांड चले का मुकदमा चलेगा, क्योंकि ये हत्या है। जहरीली शराब पिलाकर आप यदि किसी की जान लेते हैं तो यह हत्या है। ये सिर्फ जहरीली शराब का मामला नहीं है, तो इस बिंदु पे हम गंभीरता से काम करेंगे और साक्ष्य और अनुसंधान उसी दृष्टिकोण से एकत्रित किया जाएगा और कांड में उसी दृष्टिकोण से उसी बिंदु पर जो कानून है, जो विधि है।